हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो पहले ही TCS NQT और निंदा में पूछे जा चुके हैं। प्रॉब्लम का नाम क्या है? CVT 17। सो ये प्रॉब्लम जो है मतलब बेस कन्वर्जन का है। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवेन अ मैक्सिमम 4 डिजिट टू द बेस 17। ओके, सो मैक्सिमम हमारा 4 डिजिट दिया रहेगा, जैसे मतलब 1 2 3 4, मतलब जो भी 4 डिजिट रहेंगे मैक्सिमम, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे दिया है बेस बेस जो है 17 रहेगा। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी रहेगी, बेस जो है 17 दी रहेगी। और देखिए अगर मान लीजिए ए को क्या डिफाइन करेगा, 10। अगर ए है उसमें देखिए जो भी जैसे हेक्साडेसिमल हम लोग पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल कितने होते हैं, 16। तो वहाँ पे क्या होता है, ए टू एफ होते हैं। ओके, ए टू एफ होते हैं। 10 को हम लोग ए मानते हैं और 11 को हम लोग बी मानते हैं, 12 को हम लोग सी मानते हैं, इसी तरह 15 को हम लोग मानते हैं एफ। उसी तरह बेस 17 में क्या है, 10 को हम लोग यहाँ देखिए 10 को ए मान रहे हैं, 11 को बी मान रहे हैं, 12 को सी मान रहे हैं, 13 को डी मान रहे हैं, 14 को ई मान रहे हैं। उसके बाद 15 जो आएगा, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, 15 को हमारा एफ मानेंगे और 16 को जी। ओके, बेसिकली ये दिया गया है। तो टोटल 17 है। तो अभी हमें करना क्या है, इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल में, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक नंबर है 23 GF। ओके, तो इसको अगर हम लोग बेस मतलब क्या कहते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट करें, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, एफ × 17 पे पावर 0 प्लस जी इंटू 17 पे पावर 1, और उसके बाद 3 × 17 पे पावर 2, 2 × यहाँ पे 17 पे पावर 3। ओके, बेसिकली हम लोग ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बेस कन्वर्जन है, तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। ये हम लोग करते हैं बाइनरी नंबर समझते हैं। बाइनरी नंबर जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे करते हैं, वहाँ से लेते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे एज्यूम करते हैं, एक बाइनरी नंबर एज्यूम करते हैं, जैसे 1 1 0। ओके, ये एक बाइनरी नंबर है, इसका बेस क्या है, 2 है। हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, वो तरीका क्या था, आपको नहीं पता है तो आप बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या नंबरिंग करते थे, यहाँ पे 0 पीछे थे, उसके बाद 1, इसके बाद 2। ये हमारा जो है नंबरिंग कर देते थे। उसके बाद हम लोग करते क्या थे, ये नंबर एक 0 पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे जो है, तो वो 0 का नंबर लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे 2 पे पावर बेस, मतलब 2 हमारा बेस है, जो भी बेस यहाँ पे रहेगा वो बेस है 0। 0 क्या है, ये पोजीशन ऐड कर देते थे किसमें। अब अगला नंबर क्या है, 1 1 × अब पोजीशन क्या है, हमारा बेस क्या है, 2, अब पोजीशन किस है, 1। उसके बाद प्लस करते थे, यहाँ पे देखिए नंबर कौन सा है, 1 है, और यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, बेस क्या है, 2 है, और उसके बाद पोजीशनिंग क्या है इसकी, पोजीशनिंग 2 है, तो यहाँ पे पावर 2। यहाँ पे देखिए जो भी पोजीशनिंग रहेगी वो पावर पे चलेगी, ठीक है, और बेस हमेशा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर, जो भी हमारा उस पोजीशन पे नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते थे। और जो भी आंसर आते थे, अगर इसको इसका आंसर निकाले तो इसका 2 पे पावर 0 × 0 करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, और टोटल हमारा 6 हो जा रहा था। यहाँ देखिए ये बाइनरी नंबर किसका है, 6 का है। तो बेसिकली हम लोग बेस 2 में ऐसे करते थे। अब समझते हैं बेस 3 में क्या करते थे। अब अभी में बेस 3 नंबर लेते हैं, बेस 3 नंबर लेते हैं, 1 1 2, बेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, बेस 3 का है जिसका मतलब 0 हो सकता है, 1 सॉरी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 2 नंबर हो सकते हैं। अगर देखिए बेस 3 का है, तो हम लोग करते क्या थे, जैसे अज्यूमिंग जैसे हम लोग 2 का करते हैं, उसी तरह 3 का भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशनिंग सबसे पहले फिक्स करेंगे, 1 0 1 2। तो हम लोग करते क्या थे, बेस बेस इंटू 0 पोजीशन 2, और ये 0 कहाँ जाता था, बेस के पावर पे जाता था,
ये बेस के पावर पे जाएगा, प्लस ऐड कर देते हैं फिर बेस। अब बेस के पावर क्या होगा, 1 होगा, और मल्टीप्लाई किससे करते थे, जिसका मतलब जो भी पोजीशन रहेगा 1। अब देखिए, अब फिर 3, फिर बेस 3 है तो 3, अब पोजीशन क्या है मतलब 2 है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। अब इन टू क्या करते थे, 1 1 है 1, और कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 बन जा 3, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 14 का जो है, ये जो है 1 1 2 जो है 14 का बेस 3 में अगर कन्वर्ट, मतलब 14 को अगर 20 बेस 3 में कन्वर्ट करें तो 1 1 2 आएगा, ये था। तो बेसिकली इसी तरह हमारा अगर अगर बात करें इसका, अगर बात करें हम इसका कि 23 GB की बात करें तो 23 GB भी यही हो रहा है। आप समझिएगा 23 GB सॉरी GF है तो यहाँ पे 23 GF। अब इसका क्या हो रहा था, F F क्या है, F हमारा 15 है तो यहाँ पे 15 इंटू क्या हो रहा था, बेस क्या है हमारा 17 है तो 17 पे पावर। अब यहाँ पोजीशनिंग तो रखी है नहीं, पोजीशन G1 0 1 2 3, अब पोजीशनिंग कर दिए तो 17 पे पावर 0 प्लस। अब यहाँ पे जी है, अब तो जी है क्या है 16 है, 16 इंटू 17 पे पावर पोजीशन किसका है 1 का है, प्लस कर दिए फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या नंबर है 3 है तो यहाँ पे 3 इंटू बेस क्या है 17 है, 17 और क्या है 2 है, 2 है, और अगला नंबर क्या है फिर 2 है इंटू 17 तो बेस है, अब बेस का पावर क्या रहेगा, पोजीशन क्या है 3 है यहाँ 3, अब इसको ऐड करेंगे तो 10980 आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं ये, तो अब देखिए इनपुट के हिसाब से, देखिए इतनी इनपुट में कुछ और चल रहा है, इनकी कुछ अलग ही नखरे हैं। सो अब देखिए हम लोग, हाँ, इसे हम लोग इरेज नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिएगा मैं तो ये लिख दिया, मैं तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप कहेंगे कि आपने तो सीधे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 17 पे पावर 15, तो हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 15 कैसे लाएंगे 16 कैसे लाएंगे, तो आप समझिएगा या तो मान लीजिए ये स्मॉल लेटर में हो सकता है, या तो एक कैपिटल लेटर में, और या तो नंबर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, चेक करेंगे अगर ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो हम लोग इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, चेक करेंगे। मान लीजिए स्ट्रिंग एस है ये, क्या एस ऑफ आई, आई हमारा 0 टू, यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए लेंथ एन है, एन तक चलेगी, n-1 तक चलेगी, 0 टू यहाँ तक चलेगी, चेक करेंगे क्या एस ऑफ आई लेस देन आर इक्वल्स टू 0 एंड एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब क्या है, गिवन जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मतलब 2 जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, इसका मतलब ये जो है ये है स्ट्रिंग है, ओके मतलब ये जो है नंबर है, मतलब नंबर है, इसलिए तो हम लोग करेंगे क्या। तो अब देखिए किसी भी स्ट्रिंग की अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या देता है, अस्काई वैल्यू देता है, अस्काई वैल्यू मतलब किसी भी 0 की क्या है, 0 की अस्काई वैल्यू क्या है, हमारा 0 की अस्काई वैल्यू 48 है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 0 का 48 होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, 48 में से s ऑफ i घटा दे तो क्या आएगा, अब समझिएगा, अब समझिए 48 0 का है तो s ऑफ i क्या है, अब इंटीजर घटाएंगे तो भी इंटीजर ही आता है, अब s ऑफ i हमारा 2 है, ठीक है ये 2 है, और माइनस कर रहे हैं 0 0, अब ये क्या रिटर्न करेगा, अब देखिए इसकी अस्काई वैल्यू 48 है और 2 की अस्काई वैल्यू है 50 है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 2 रिटर्न कर रहा है। अब वही मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे 3-0 कर रहे हैं, 3-0 0 का मतलब ये कर रहे हैं तो क्या रिटर्न करेगा 3, क्योंकि 3 का जो अस्काई वैल्यू है 51 है। तो बेसिकली हमारा नंबर तो पता चल गया, नंबर कैसे निकालेंगे। सो अब सेकेंड कंडीशन क्या है, अब हमारे प्रॉब्लम फंस रही है कि हम लोग कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे, तो कैरेक्टर के लिए भैया एक और केस लगा देते हैं,
पहले इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर, इसका कोई अब काम नहीं है। तो बेसिकली अब कैरेक्टर के लिए हम लोग करेंगे क्या, कैरेक्टर के लिए एक और केस लगा देंगे। क्या एस ऑफ आई इज लेस देन आर इक्वल टू ए है, स्मॉल ए, एंड एंड चेक कर लेंगे। देखिए ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि मे बी ये डिफाइन नहीं है, शायद वो स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। और टी सी एस एंड क्यू टी एंड निंजा का एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक्चुअल टेस्ट केस आपको नहीं दिखते हैं, इसलिए हम लोग सारी पॉसिबिलिटी जो नहीं दिया है वो भी कवर कर सकते हैं, मे बी इंक्लूड कर सकता है। ये इसमें दिया नहीं है कि वो स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, ओके, ये मेंशन नहीं किया है, तो मे बी ये हो सकते हैं एक्चुअल टेस्ट केस में, तो हम लोग ये भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई क्या हमसे, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे एस आई ऑफ आई इज ग्रेटर देन होगा लेस देन यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ भी यही कंडीशन होगा, लेस मतलब लेस ग्रेटर देन लेस देन होगा। देखिए अब ये जेड कर देंगे तो जो भी कैरेक्टर बिलोंग करेगा हमारा, बिलोंग करेगा ए टू जेड के बीच में, ए टू जेड, ए और जेड को इंक्लूड करके अगर जो भी बिलोंग करेगा इसके बीच में या इसके इक्वल, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर ए टू जेड में बिलोंग कर रहा है। तो उसे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग कैसे करेंगे वो आप समझिएगा, नंबरिंग वही अस्काई वाली कंसेप्ट लगाएंगे, उसमें कुछ जुगाड़ लगाएंगे तब करेंगे। तो अज्यूम करिए हमारा हमारा स्मॉल ए की अस्काई वैल्यू क्या है, स्मॉल ए की अस्काई वैल्यू हमारा 97 है शायद, 90, हाँ अप्रोक्स, हाँ सही है 97 ही है। अगर मान लीजिए हमें बी माइनस 97 किए तो क्या आएगा, 97 किए बी माइनस 97 तो क्या हमें अचीव होगा, हमें अचीव होगा 1। अगर बी माइनस 90 सॉरी सी माइनस 97 किए तो क्या अचीव होगा, 3। डी माइनस 97 किए तो क्या अचीव होगा, सॉरी क्या अचीव होगा, 4। ओके बेसिकली ये आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 2 अचीव होगा और यहाँ पे 3 अचीव होगा, आप समझिएगा। सो हम एक्चुअल कर क्या रहे हैं आप समझिएगा, अगर ए है तो 97 ए में से घटाएं तो क्या मिलेगा हमारा, हमारा मिलेगा 0। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 10 ऐड कर दें हम लोग, यहाँ पे देखिए 10 अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 10 ऐड कर दें तो 11 मिल जाएगा, और यहाँ पे 10 ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 मिल जाएगा, और यहाँ पे डी में हम लोग क्या करें 10 ऐड कर दें, 3 जो मिलेगा घटाने के बाद, और वहाँ पे कहिए तो 13 मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये 10 हम लोग क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, और ए का हम लोग पहले से मेंशन क्या करना है, 10 करना है। तो बेसिकली हम लोग को यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है कि हम लोग 10 को ए और मतलब और इसको ये, तो बेसिकली मतलब 11 को हम लोग बी को 11 करना है, यहाँ पे देखिए बी का मतलब कोड क्या है, 11 है, तो बेसिकली हमको 11 फाइंड करना है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इरेज कर देते हैं तो आपको सब अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो बेसिकली हम लोग किया क्या है, कुछ जुगाड़ लगाया है, वो जुगाड़ क्या है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैरेक्टर रहेगा, जब भी ये कंडीशन हमारा एस ऑफ आई जब हम पता चल जाएगा कैरेक्टर हमारा ए टू जेड के बीच बिलोंग कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस ऑफ आई में से हम लोग क्या करेंगे ए सॉरी 97 घटा देंगे और प्लस 10 ऐड कर देंगे, प्लस 10 ऐड करेंगे, जो भी कोड आएगा वो हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी 10 आए या 11 आए जो भी वैल्यू आएगी उसी का हम लोग यूज कर लेंगे। अब बात करें कैपिटल कैपिटल ए की, अगर हमारे पास कैपिटल ए रहे तो क्या करेंगे, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें, एस ऑफ मतलब अगर हमारा कैसे करेंगे, एस ऑफ आई अगर हमारा यहाँ देख लेते, एस ऑफ आई हमारा अगर लेस देन आर इक्वल टू है कैपिटल ए के, एंड एंड हमारा क्या है सेकेंड कंडीशन क्या है, एस ऑफ आई जो है हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा जेड के, तो हमारा कैपिटल जेड के, तो इसका मतलब हमारा ए टू जेड के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ए टू जेड के बीच बिलोंग कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे 65 का 65 जो होता है ए की अस्काई वैल्यू होती है, तो आई मतलब एस ऑफ आई -65 प्लस 10 कर देंगे, इसीलिए सेम फार्मूला लगाएंगे, जो भी नंबर आएगा
जो भी नंबर आएगा मेरे पास, नंबर आएगा तो वो नंबर क्या होगा हमारा, 11, मतलब 10, 11, 12, 13, इस फॉर्म में आएगा। और हमारा अगर अगर मतलब देखिए, अब मान लीजिए, अब पहले जो मैं बता चुका हूँ, अगर मान लीजिए 2, 3 हो तो क्या होगा, तो 48, देखिए 48 मतलब एस ऑफ आई माइनस 48 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48 क्या है, स्काई वैल्यू ऑफ 0 है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, एस ऑफ आई माइनस ए करेंगे, सॉरी 0 करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम लोग करेंगे 48 घटा देंगे, 48 घटाएंगे तो हमारे पास 1, 2, 3 के फॉर्म में आ जाएगा, और जो भी नंबर आएगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग पे अब देखिए, यहाँ तक तो समझ गए कॉन्सेप्ट। अब प्रोग्रामिंग देखने से पहले हम लोग लास्ट में हम लोग करेंगे क्या, उसका कोड लिख कैसे लिखेंगे, कि मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक फॉर लूप लगा के उसके अंदर लिखेंगे। अब देखिए, और हमारे पास एक्चुअल क्या है, सम है, एक सम ले लेंगे, सम प्लस आर इक्वल टू, ऐसे कुछ वेरिएबल ले लेंगे। उसमें करना क्या है, हम लोग को क्या करना है, एक काउंटर लेना है। काउंटर क्या है, हम लोग वैल्यू लेनी है, वो कौन सी लेनी है, कि जो भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, जैसे 23GF है तो हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडेक्सिंग कर रहे थे कि नहीं, तो हम लोग ये इंडेक्सिंग ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं। तो इंडेक्सिंग लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग लेने के बाद सम हम लोग क्या करेंगे, सम इनटू जो भी वैल, यहाँ पे हम लोग जो भी इस कैरेक्टर के सोच से जो वैल्यू निकालेंगे उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किसी पावर ऑफ, पावर क्या होगा, ये जो इंडेक्स, इंडेक्स और क्या होगा 17 के, जो भी बेस है हमारा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट ले लिए हैं, और डेसी नाम का, डेसिमल नाम का एक वेरिएबल ले लिए। सो यहाँ पे देखिए, वैल ले लिए हैं, वैल में हम लोग ये स्टोर कर रहे हैं कि वो नंबर हर आइट्रेशन, उसके बाद फॉर लूप लगाएं 0 to S ऑफ लेंथ, मतलब अगर मतलब 23GF है यहाँ पे, यहाँ पे इनपुट में देखिए 23GF है, पहले 2 को हम लेंगे, यहाँ पे देखिए पहले 2 को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 3 को लेंगे, फिर क्या लेंगे, G को लेंगे, फिर F को लेंगे, ओके। बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखिए इफ कंडीशन लगाए, चेक किए कि वो किस चीज़ में बिलोंग कर रहा है। तो 2 है यहाँ पे, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 23 इनपुट में जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग 48 में से माइनस कर दिए, सेम किए हैं। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए ए से जी के बिलोंग, सॉरी ए से जी के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए 17 बेस 17 दिया है यहाँ पे, देखिए हमारा जो है यहाँ पे बेस जो है 17 दिया है, इसका मतलब ए टू जी के ही बीच में कैरेक्टर होंगे, तो जेड तक की कोई वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग जी तक की हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग एलसीएम में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी मतलब अगर कैपिटल में, कैपिटल में कर देंगे, उसके बाद बेसिकली वही किया है, डेसिमल प्लस वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है यहाँ पे भी हमारा, यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू, अगर कोई भी केस चल रहा है, उसके बाद 17 पे पावर एस ऑफ लेंथ माइनस आई माइनस 1, इसका मतलब क्या है, क्या किए, एस ऑफ लेंथ ऑफ माइनस, वो क्या किए, सॉरी यहाँ से लेते हैं एस ऑफ लेंथ ऑफ मतलब आई माइनस 1। सो अब देखिए इसका मतलब क्या है, एस ऑफ लेंथ क्या होगा, यहाँ पे 23GF है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी, उसके बाद देखिए 4 होगी, उसके बाद आई, आई क्या है, इनिशियली हमारा आई 0 था, माइनस 1 कर रहे हैं 3, तो माइनस 1 कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 23 अगर GF है तो इसमें 3, 0, 1, 2, 3, तो हमारा 3 किसको बिलोंग कर रहा है, इस 2 को, हम लोग वो 0 से आइट्रेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस तरीके से लिखे हैं कि हम लोग पहले 0 को, अब देखिए जब आई इज इक्वल टू 1 होगा, जब आई इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, एस ऑफ लेंथ 4 माइनस 1 माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 2 किसकी इंडेक्सिंग है, 2 हमारा यहाँ 3 की इंडेक्सिंग है, अगली बार जब 3 मतलब आइट्रेट होगा तो 2 आ जाएगा, और जब आई इज इक्वल टू 2 होगा तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 होगा, 1 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू, जी की है, उसके बाद मतलब 4 माइनस 3 माइनस
वन कर देंगे, तो 4 माइनस 4 माइनस 0 0 किसकी इंडेक्सिंग है, इसी तरह एग्जीक्यूट होगा। ओके तो बेसिकली एक बार और रन करा के देखते हैं, बेसिकली हम रन करा देते हैं यहाँ पे, ये आउटपुट तो आया है यहाँ पे 23 GF है, सो अभी रन हो रहा है। तो यहाँ देखिए 10980, तो आउटपुट क्या है 10980। सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।